गुड आफ्टरनून। आई नो दोपहर हो चुकी है, थोड़ी भूख लग रही होगी, थोड़ी का ज्यादा ही लग रही होगी। लेकिन ये जो अभी मैं प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, सच में उसके बाद आपकी भूख चली जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट इज एक्चुअली रिसर्च ऑफ लास्ट 16-17 इयर्स जो एक्सपीरियंस था और जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका ये सोल्यूशन है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे, इट विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो टीवी पे, न्यूज पे, हर जगह पे आ रहा है, जो हम देख रहे हैं उस पे ही एक सॉल्यूशन हमने वर्कआउट किया था लगभग 18 महीने पहले, 18 मंथ्स बैक। हम सागर सर से जब इसके साथ इंटरेक्शन हुआ हमारा, सागर सर को मैं 2008 से जानता हूँ, 18 महीने पहले हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, सागर सर से डिस्कस हुआ था। तो जैसे सर बोल रहे हैं कि हेल्थ पे काम होना जरूरी है, वैसे वेल्थ पे भी काम होना जरूरी है। अभी एवरीबडी इज अर्निंग मनी, लेकिन वो प्रोटेक्ट होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि कितने सारे केसेस में साइबर क्राइम हो रहे हैं और अपना पैसा जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं, सबका कोई ना कोई ऐसा एक परिचित होगा, कोई एक रिश्तेदार होगा जिसके अकाउंट से पैसा गया है कि नहीं। यस और नो? एनर्जी बनाए रखे। मैंने 14 साल काम किया फोर्स में, 6 साल में मैं स्पेशल फोर्स में था, तो जब ट्रेनिंग होता था और आंसर नहीं मिला तो फिर मैदान में लेके जाते, तो अभी जाना है मैदान में, जाना है आंसर दीजिए फिर। तो एनर्जी बनाई रखे, मैं आपको जो बताऊंगा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये अभी जो सबसे मोस्ट हैपनिंग प्रॉब्लम है उसका ये सागर साहब कुछ सोल्यूशन लेके आए, और ये जो बना है वो भी बहुत डिटेल रिसर्च के साथ बना है और हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इसका नाम है साइबर मैन, और मैंने बताया जैसे साइबर धोखाधड़ी नागरिकों को सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि आपके अगर अगर आपका अगर पॉकेट चोरी हो जाए तो आपके पॉकेट में जितना पैसा है उतना जाएगा। अगर अगर आपके घर में कोई डकैत घुस जाए तो जो आपके घर में जितना पैसा या ज्वेलरी वो जाएगा, लेकिन अगर आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मोबाइल के साथ जितने भी बैंक अकाउंट्स कनेक्टेड है सारा पैसा चला जाएगा। और ये एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल कर सकते हो, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हो, हर रोज ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। डेली इंडिया का 300-400 करोड़ से ज्यादा पैसा साइबर फ्रॉड में जा रहा है, तो हम जो सॉल्यूशन लाए वो एक सॉल्यूशन है जहाँ पे इंडिया के लोगों का पैसा प्रोटेक्टेड रहेगा। अगेन अगेन आई एम रिफ्रेमिंग माय क्वेश्चन आंसर, ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है दिस इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, यानी आप यहाँ बैठ के आपके अगर कोई रिश्तेदार परिचित अगर कोई दूसरी दूसरी देश में है उनको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय सेलिंग दिस प्रोडक्ट। इसकी ये इस हाई रिस्क प्रॉब्लम है, सबसे हाई रिस्क प्रॉब्लम है। देखिए हाइपोथेटिकल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके हाथ में मोबाइल है बराबर है, आपके पास की मोबाइल को इंटरनेट है या नहीं है? यस, आप आंसर नहीं दोगे तो मोबाइल हैक कर लूंगा, सो अलर्ट रहिए। तो आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है और कुछ हैकर्स है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो आपके मोबाइल को कभी भी हैक कर सकते हैं। आपका मोबाइल आपके बैंक से कनेक्टेड है, तो आपका बैंक का जो पैसा इतना इजीली साइफर्ड ऑफ हो सकता है, इतना इजीली हैकर के पास जा सकता है। अभी इसमें एक क्वेश्चन होता है कि फिर हम इसका कंप्लेंट कर सकते हैं, कि आप कंप्लेंट भी करोगे तो प्रॉब्लम। अभी फॉर एग्जांपल मैं 2016 में जामतारा में गया था, जामतारा नाम का एक सिटी, एक वेब सीरीज भी आया था, देखा था आपने जामतारा? तो जामतारा का वेब सीरीज जो बना था उसमें एक स्पेशल एपिसोड शूट हुआ है, आप अगर अगर फिर से गूगल करोगे तो इसमें मैं खुद हूँ और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्रॉड कैसे होता है और कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो एक स्पेशल एपिसोड शूट हुआ था हम पे, नेटफ्लिक्स ने किया था, जहाँ पे हम साइबर क्राइम पे बात करें। साइबर क्राइम पे हम काम आज से नहीं कर रहे हैं, हम साइबर क्राइम पे 2004 से काम कर रहे हैं, ये अभी लोगों को बहुत परिचित है, लेकिन हम शुरुआत से जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इनिशियली चाइनीज मोबाइल थे, फिर इंटरनेट का यूज होना चालू हो गया, फिर लोग यूज करना चालू हो गए, फिर बैंक्स इंटरनेट पे आ गए, लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने लगे, अभी आपके नेट बैंकिंग से एप्लीकेशन है, सारा डेवलपमेंट हमने देखा है फ्रॉम बोथ साइड, प्रोटेक्ट कैसा करे और वो हैक कैसे हो सकता है। मैं जब जामतारा में गया था तो पूरा जो सिटी है उसमें हर कोई मैक्सिमम लोग ये हैकिंग का काम करते हैं,
उनके पास वो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, वो कुछ फेक अकाउंट्स बनाते हैं, और जहां पे अगर पुलिस उसको पकड़ भी ले जाने केवाईसी पे अगर जाए तो वो हैकर का डिटेल्स नहीं रहता है, वो किसी किसी मजदूर का, किसी किसान का रहता है। तो आपका पैसा किसके पास गया वो कभी मिलता नहीं है। पैसा जिस अकाउंट में डिपॉजिट होता है वो किसी एटीएम से निकल भी जाता है जिस एटीएम में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो वंस आपका ट्रांजेक्शन हो गया, आपका पैसा चला गया। अभी ये प्रोटेक्ट होने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि देखिए मोबाइल को तो हम यूज करना ही है, लेकिन अगर मेरा मोबाइल मेरे बैंक से कनेक्टेड है तो मेरा फोन हैक हो सकता है, और हो भी रहा है, बहुत सारे लोगों का फोन हैक हो चुका है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ये प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये एंड्रॉयड है, ये तो सही है, इतना टेक्निकली है, इसके एप्लीकेशन है, कैसे समझे कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ या ना हूँ, मैं हैक हूँ, हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। तो उसके लिए कुछ तो चाहिए था, इसलिए हमने इस पे बहुत रिसर्च किया है। देखिए इसमें भावनात्मक संकट तो है ही, क्योंकि पैसा गया तो इमोशनली सब डाउन हो जाते हैं, कोई खुश नहीं होता है पैसा गया, खुश हो गया, ऐसे नहीं, भावनात्मक संकट है। मैं एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो दिखता है पैसा जाने के बाद जो इम्पैक्ट होता है, हम गोवा गवर्नमेंट के साथ साइबर वेलनेस पे भी काम कर रहे हैं। अगर साइबर हैक होने के बाद उसके बाद पोस्ट जो ट्रॉमा होता है लोगों में, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसमें, उनका बहुत सारा इमोशनल डैमेज भी होता है, तो वो हील करने के लिए हम साइबर बेस्ड साइकेट्रिस्ट से भी उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये भावनात्मक संकट बहुत बड़ा है, जो हालांकि डिस्कस नहीं होता, सिर्फ पैसा गया इतना ही होता है, लेकिन नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य बहुत लोगों का हेल्थ डिटोरेट हो जाता है, वो जो इम्पैक्ट आता है ना उसके वजह से, तो जो साइकोलॉजिकल होता है उससे हेल्थ डिटोरेट होता है, एंड वित्तीय तनाव तो है, पूरा जिंदगी का सेविंग्स है और आपने आपने रखा था और वो चला गया, तो वो जो संकट आता है वो भी बहुत ही बड़ा है। अभी ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि मोदी जी भी क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। सारी दुनिया परेशान है साइबर सिक्योरिटी। क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चेंज की मींस होने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशन लेकर जा सकता आ सकता है क्या? हम कहाँ बैठे हैं? ई बायोटोरियम में बैठे हैं, राइट? हमें गाइडेंस किसका है? डॉक्टर सागर जोशी साहब का है। क्या हम सोल्यूशन ला सकते हैं? तो ये है आपका सोल्यूशन, इसका नाम है साइबर मैप। ये एप्लीकेशन क्या करता है? ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रहेगा और ये आपके मोबाइल का गार्डियन बन जाएगा, गार्डियन यानी पेरेंट। आप एक तो रहता है एंटीवायरस जो सिर्फ वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन फोन हैकिंग करने के 3,000 से ज्यादा तरीके हैं अलग अलग, तो सारे तरीके आइडेंटिफाई करके उसको टेक्निकली काउंटर करने के लिए कोई तो चाहिए। हम सबका भला कौन चाहता है अपार्ट फ्रॉम सागर जोशी साहब? अपने पेरेंट्स, पेरेंट्स को लगता है ना कि मेरे बच्चे का नुकसान ना हो, तो वैसे ये डिवाइस गार्डियन आपके डिवाइस में होगा। टेक्नोलॉजी वाइज जितने भी तरीके अटैक्स होंगे वो सारे अटैक काउंटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइबरमैन की होगी। इसमें क्या क्या फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, लेकिन यस, एक एडवांस मोबाइल सिक्योरिटी फॉर एंड्रॉइड आईओएस इंश्योरिंग कॉम्प्रेहेंसिव प्रोटेक्शन फॉर कंप्लीट डिजिटल लाइफ। कंप्लीट डिजिटल लाइफ यानी नॉट ओनली योर बैंक अकाउंट बट आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उनके पर्सनल फोटोज या वीडियोस कॉम्प्रोमाइज होके लीक हो चुके हैं और वो मॉर्फ करके उनके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। तो इस पे भी कुछ सोल्यूशन चाहिए कि मेरा फोन प्रोटेक्टेड रहे, जिससे मेरा पूरा डिजिटल लाइफ प्रोटेक्टेड रहे। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इसमें AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग दोनों इम्बेड किया है, ताकि ये कंटिन्यूसली खुद को अपडेट करता रहे होने वाले सारे तरीके से अटैक से। ये सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग जितने भी वल्नरेबिलिटीज है, आपके अभी मोबाइल नया तो नहीं लग रहा, आपके एग्जिस्टिंग मोबाइल में भी जो एग्जिस्टिंग जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है, वीकनेसेस है, वो आइडेंटिफाई करेगा और उसको काउंटर करेगा। ये जब मोबाइल में रहेगा तो आने वाले जो थ्रेट्स है उससे प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अभी मोबाइल में बैठा है तो वो मोबाइल में एग्जिस्टिंग स्कैन करेगा और उसमें भी आपको बताएगा। इवन ये एप्लीकेशन भी, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे रहते हैं जो आपसे परमिशन मांगते हैं, जो इलीगल परमिशन है, आपको मालूम भी नहीं। देखो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस पे आता है ना आई एग्री, आता है कि नहीं आता है? अरे आता है कि नहीं आता है? दो बार पूछने पर जवाब देते हो क्या?
एक नॉर्मल आदमी आई एग्री कहाँ का बोल सकता है, एक तो सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय या फिर खुद के वाइफ के सामने, तो वहां तो कुछ जा रहा ही नहीं कि आप जब तक आई एग्री नहीं बोलोगे तब तक आगे नहीं जा पा रहे, तो आपको एग्री करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन को आई एग्री करके इंस्टॉल करते हो तो बैकएंड में बहुत सारी परमिशंस मांगी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एप्लीकेशन है जो स्कैनर एप्लीकेशन, अभी बीच में हमने एक इन्वेस्टिगेशन किया था मुंबई में जहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन ढूंढा जो स्कैनिंग एप्लीकेशन है, जो हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं ना वो स्कैनिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे आप आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपके डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो। लेकिन वो एप्लीकेशन क्या कर रहा था कि जब वो स्कैन कर रहा था वो डेटा अपलोड भी कर रहा था, तो आपके जेन्युइन एप्लीकेशन का डेटा, आपका जेन्युइन डेटा वो एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हैं टू देयर डेटाबेस। तो अगर साइबर मैन है, अभी ये आप फ्रंट एंड से तो देख नहीं पाओगे कि उसमें लिखा है मोबाइल स्कैनर, कौन ढूंढेगा। तो साइबर मैन क्या करता है कि वो पीछे जाता है, एप्लीकेशन को पेनिट्रेट करेगा एंड उसमें कौन कौन सी परमिशन मांगी है वो चेक करेगा। अगर ये डिवाइस आपका परमिशन मांग रहा है जो उस एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तो वो स्कैन में ही बता देगा कि ये एप्लीकेशन सेफ नहीं है, और उधर एक विंडो आ जाएगा कि इसको डिलीट कर दो। तो आपको प्रोटेक्ट रखने की जिम्मेदारी साइबर मैन की है। जैसे आपके बच्चे हैं, अगर अगर आपके बच्चे हैं तो आपको मालूम उनका अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो आप उनको बताते हैं वैसे ही आपको बताएगा कि दिस इज नॉट राइट, आपको ये नहीं करना है और आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है। अभी ये करने के लिए मेरी पूरी टीम सागर सर के साथ काम कर रही थी, तो मेरी टीम का मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि हम कौन है। मायसेल्फ डॉक्टर मकरंद वाघ, और हमने जैसे सर ने बताया वैसे हमने लास्ट 4 साल से टीवी पे जो कुछ देख रहे हो सारी केसेस साइबर रिलेटेड केसेस हमने इन्वेस्टिगेट की थी। हम पे एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री भी है, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, आपको भी इसके साथ रखना है। तो इंडिया के जितने भी सारे नेशनल न्यूज़पेपर है उस पे हमारे आर्टिकल आ चुके हैं, हम पे रिसर्च डेटा बना है, हम पे बहुत सारे मैगजीन्स में लिखा गया है। क्योंकि जो हमारा काम था जैसे मैंने बताया, हम सिर्फ और सिर्फ साइबर स्पेस पे काम करते हैं, डिजिटल डेटा पे काम करते हैं, हम दूसरा कुछ काम नहीं करते। तो ये मैं और मेरा टीम है जो हमने आप लास्ट 3 साल से आप जितनी भी एजेंसीज देख रही हो, जो सेंट्रल एजेंसीज है वो जो काम कर रही है उसमें जो टेक्निकल डेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का डेटा, साइबर रिलेटेड डेटा है, वो एक्सट्रैक्शन का जिम्मेदारी भी हमारी टीम पे। ये मेरे बड़े भाई है जो मेरे साथ मेरे बैचमेट भी है, और सेम वो भी पीएचडी के हैं, उनको 18 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी महाराष्ट्र पुलिस में एज एन क्लास 1 ऑफिसर थे, वो भी इस टीम का पार्ट है। आज वो इवेंचुअली आउट ऑफ इंडिया है किसी काम के लिए, इसलिए आज नहीं आए पाए आ पाए। दिनेश बर्ण ये इंडिया के मोस्ट अपडेटेड एंड रिसर्च साइंटिस्ट है जो एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इस पे काम करते हैं। अभी ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई टेक्नोलॉजी अपडेटेड रखना है। ये जब सिस्टम हमने चालू किया था तो सागर सर ने बोला था कि ये सिस्टम मुझे अपडेटेड चाहिए और अपग्रेडेबल भी चाहिए, यानी मेरे डीलर ने किसी को कुछ सप्लाई किया है तो वो टेक्नोलॉजी, अगर हैकर का टेक्नोलॉजी अपडेट होता है तो मेरा टेक्नोलॉजी भी अपडेट होना चाहिए। तो ये बैकएंड में अपडेट रखने के लिए हमने इसको रिसर्च करके एआई एमएल से इम्बेड कर दिया। डॉक्टर भरने शी इज ऑल्सो रिसर्च साइंटिस्ट, उसको उन्होंने 18 पेपर लिखे हैं और उस पे उनको कहीं कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। इसमें एक यूनिक पार्ट ये है कि अगर आपका डेटा, आपका फोन हैक हो जाएगा, और हैक नहीं हुआ है लेकिन आपने वर्बली ओटीपी भी दे दिया, तो भी आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आना जरूरी है क्योंकि आपके बैंक के पैसे गए लेकिन मोबाइल हैक नहीं हुआ है। बहुत बार आता है ना, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ आपका मीटर बंद हो जाएगा, या फिर मैं आपका आधार कार्ड का केवाईसी अपडेट करने नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ऐसा फोन आता है ना बहुत। सुना है कि नहीं सुना है? अरे यार इस बार फर्स्ट बार आपने आंसर दिया। सो इस वक्त जब अगर आप फोन पे भी ओटीपी देते हो, जो देखो अगर आप फोन पे ओटीपी देते हो ना, तो बैंकिंग एक्ट के अनुसार ये क्राइम में नहीं आता क्योंकि दिस इज ट्रांजेक्शन विद कंसेंट, क्योंकि आपने कुछ खुद ओटीपी दिया है। लेकिन अगर ये ओटीपी देने के बाद मेरा पैसा तो गया, तो ये फॉर्जरी है, 420 है, लेकिन अगेन ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत डिले होता है, तो ये क्राइम भी कवर होना जरूरी था। इसलिए हमने अपना पूरा सिस्टम टाइप किया, इंडिया के जितने भी स्पेशलाइज साइबर इंश्योरेंस कंपनीज थी उनके साथ। अभी राइट नाउ HDFC आर्गो नाम की जो सबसे बड़ी साइबर इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ अपना टाई अप हुआ है, और ये दोनों साहब हैं
कबीर सर एंड साहिल सर, इन्होंने इस पे बहुत काम किया और बैक टू बैक इंडियन में भी साइन किए। फर्स्ट ऑफ ऑल साइबरमैन हैक नहीं होने देगा, और हैक हो भी गया और आपका बैंक का पैसा गया तो HDFC आर्गो विल पे यू एज एन इंश्योरेंस अप टू 10 लाख रुपीज। 10 लाख तक आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। अगेन रिपीट करना चाहता हूँ कि ये टीम देखो, अगर क्यूमुलेटिव अगर आप हमारा सबका एक्सपीरियंस पकड़ो और अगर उसमें साहिल सर का एक्सपीरियंस पकड़ो तो 250 साल का एक्सपीरियंस है, और उसपे ये सब प्रोडक्ट बनाए, तो ये कोई प्रोडक्ट नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है कि किसी ने एक एप्लीकेशन बनाए और वो आपको दे रहे। इट्स अ रिसर्च ओरिएंटेड सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट योर पैसा एंड मनी एंड योर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, योर पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा भी होता है बहुत लोगों का जो मोबाइल में है, आपके अकाउंट, आपके फोटोज है, आपके वीडियोज है, आपका कुछ और डेटा है, तो वो भी इसमें प्रोटेक्ट होता है। ये सारी पॉसिबिलिटी है इसमें। ऑनलाइन फ्रॉड प्रोटेक्ट होता है, फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड पर्सन डिटेक्शन भी इसमें हमने रखा है। अगर कोई फ्रॉड आदमी कॉल लॉग इन कर रहा है तो वो डिटेक्शन भी आइडेंटिफाई करता है बैकएंड पे। ब्रिज मॉनिटरिंग, आपका मोबाइल अगर हैक हो रहा है या होने वाला है तो वो आपको बताएगा कि आपका अटैक हुआ था और हमने प्रोटेक्ट किया, तो ये भी इसमें हमने डाला है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, अभी एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड इज नॉट सेफर वर्जन। अगर आप iOS एंड एंड्रॉयड पकड़ते तो एंड्रॉयड बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे कोई भी एक एप्लीकेशन होस्ट कर सकता है। अगर मैं हैकर हूँ तो मैं एक एप्लीकेशन होस्ट करूंगा और उस एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन में फेसबुक पे पोस्ट करूंगा, तो अगर फेसबुक पे हो तो आपको लगेगा यार वेरी गुड एप्लीकेशन, इसमें दो चार वीडियो देख लिए और आपने अगर डाउनलोड कर लिया तो आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया। अभी कैसे पता चले कि ये सेफ या ना सेफ है, हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि मार्केटिंग ऐसे किया गया कि दिस इज सेफ। तो ये एंड्रॉयड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है कि वो जो एप्लीकेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी चेक करता है कि ये सेफ है या अनसेफ है। एंटीवायरस प्रोटेक्शन, एंटीवायरस आपको बोलूं मैं, एंटीवायरस होना बहुत जरूरी, क्योंकि वायरस दुनिया में होते रहते हैं। अभी वायरस जब इनिशियली एंटीवायरस आया था तब महीने में एक बार स्कैन होता, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने वायरस है उसकी स्टडी करके उसको एनालाइज करके फिर 1 साल 1 महीने में उसको अपडेट किया जाता था। ये एप्लीकेशन है ना, ये हर 15 मिनट में अपडेट होता है। कितने मिनट पे? 15। तो 15 मिनट्स में ये एप्लीकेशन खुद को रिफ्रेश करता है। 15 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वायरस डेवलप हुआ है तो उसका हैश कैलकुलेट करके उसके रेफरेंस के लिए वो अवेलेबल है और वो आइडेंटिफाई करके उसको ब्लॉक करेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी, आप बाहर घूम रहे हो, आपका मोबाइल किसी इलीगल हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है या किसी वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, आपको मालूम ही नहीं। बहुत बार हम घर के वाईफाई पे, फोन पे वाईफाई चालू है और हम बाहर निकल गए। अभी वाईफाई अगर चालू है और अगर बाहर गया और कोई ओपन वाईफाई से कनेक्ट हो जाए तो आपका सिस्टम हैक हो सकता है, तो ये फोन उसको भी आइडेंटिफाई करता है और नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है। एंटी फिशिंग, यानी बहुत बार लिंक आता है ना, भारत का झंडा दुनिया में एक नंबर का आएगा, यूएन ने ऐसा सर्वे भेजा है, या फिर जनगण मन को बेस्ट एंथम का प्राइज आएगा, आप इस पे वोट करो, ये सारी फिशिंग टेक्निक्स है आपको फंसाने के लिए। अगर ऐसा कोई लिंक आएगा तो वो लिंक आइडेंटिफाई करेगा और आपको ब्लॉक करेगा, आपको आगे नहीं जाने देगा। इसमें एड ब्लॉकर भी डाले हैं, जहाँ पे आप वेब ब्राउजिंग करते समय बहुत बार एडवर्टाइज आते हैं ना लेफ्ट और राइट में, आते कि नहीं आते? अगर गूगल, आप फेसबुक पे हो, नहीं हो फेसबुक पे हो क्या? नहीं हो? भूख लगी है? रुको, नहीं लगी, भूख गई ये सुनने के बाद। तो वो एड ब्लॉकर भी है जहां पे आपकी एड्स वो खुद ब्लॉक करेगा। यानी बहुत बार क्या होता है कि देखो एड रहते हैं ना, वो हैकर्स एड फेसबुक के पेज के ऊपर डालते हैं जहाँ पे फेसबुक पे है ही नहीं, वो सरफेस पे आपको दिख नहीं रहा है, आप उसको लेफ्ट या राइट स्वाइप करोगे तो वो इंस्टॉल हो गया आपके डिवाइस में। और कौन, अभी फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टॉल कैसे होता है मैं आपको एकदम ब्रीफली बताता हूँ। आपके पास एक कुछ मैसेज आया और आपने उस पर क्लिक कर दिया, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, ये लिंक ना सेल्फ एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर रहता है, एक बार क्लिक करने से वो वायरस आपके एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। जनरली मोबाइल में कितने एप्लीकेशन होते हैं? 10, 15, 20, 25, बराबर है ना? मोबाइल में 650 एप्लीकेशन है। आपको जो दिखते हैं ना वो सिर्फ आपके जियो है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो। 650 एप्लीकेशन है जिसमें कौन सा एप्लीकेशन कौन सा डेटा दे रहा है किसी को मालूम नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा इलीगल एप्लीकेशन, लेकिन ये उसको ढूंढता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन मैंने बताया, आपकी मोबाइल गैलरीज, आपके फोन बुक, आपके कैमरा गैलरी, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसमें से जो डेटा है वो बाहर जाने नहीं देता।
हॉलिस्टिक एनालिसिस इसलिए कि बिहेवियर मालूम नहीं कौन सा वायरस कैसा है, उसका बिहेवियर आइडेंटिटी बहुत टेक्निकल, लेकिन मुझे ओवरव्यू देना जरूरत था। एंटीएमसी क्या अच्छा रोग, एंटीवायरल ये सारी चीजें वो प्रोटेक्ट करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये सब होने के बाद फ्रॉड हो गया तो क्या करे, है ना? यानी मेरे फोन ने तो मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन मेरे बच्चे ने मोबाइल लिया और गेम खेल रहा है, और उसमें मेरे ही मोबाइल से गेम खेल रहा है, और उसको मेरा बैंक अकाउंट कनेक्टेड है, उधर उसने कहाँ क्लिक कर दिया और मेरा पैसा चला गया, तो वो भी इसमें कवर हो रहा है। आप अगर देख सकते हो, लाइबिलिटी अराइजेस ड्यू टू अंडर एज डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर कोई माइनर अपने मोबाइल का यूज करते हुए वो मोबाइल अगर हैक हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर उसने ओटीपी दे दिया, तो भी आपको इंश्योरेंस कवर है। इतने सारे क्राइम अगर होते हैं आफ्टर प्रोटेक्शन ऑल्सो, एक तो प्रोटेक्ट होगा तो ये सारी चीजें होगी, लेकिन ये सारे क्राइम्स है ना, इसमें आप फोन पे ओटीपी देते हो। आप देखो लॉकडाउन में आपको याद है कि कुछ लोगों ने लीकर परचेस किए थे, लॉकडाउन में लीकर परचेस किए थे, और उसमें उनको फोन आता था कि आपको लीकर चाहिए तो हम घर पे डिलीवरी, बाहर कर्फ्यू लगा, इनको कौन लीकर देने वाला था मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन परचेस की, ओटीपी दिए, पैसा गया। साइबर बुलिंग जहाँ बच्चों को, ये आने वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी इसमें कवर होता है। लॉस ऑफ रेपुटेशन, सोशल मीडिया लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें हम इसमें कवर कर रहे हैं, एज एन इंश्योरेंस हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोन हैक होगा नहीं, और आपने वर्बली भी ओटीपी दे दिया तो भी इतने सारे क्राइम्स में अगर पैसा जाता है तो आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। कंक्लूजन इज दैट यू विल हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन इन योर आईओएस एंड एंड्रॉइड मोबाइल टू प्रोटेक्ट यू। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जो आपका फोन हैक नहीं होने देगा, और हैक हुआ तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ये कुछ उसके प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी आपको सागर सर एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा और उसपे टीवी वगैरह क्या होंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। एक 1.5 मिनट का वीडियो इसके बारे में जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको इसका पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।